ओडिशा के बालेश्वर में बालियापान ब्लॉक में बीडीओ को बदलने की मांग को लेकर सरपंच संघ की 5 दिनों से भूख हड़ताल जारी है। सरपंच संघ के समर्थन में आज बालियापाल ब्लॉक के सामने प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीडीओ विनोद चंद्र पांडा का पुतला भी जलाया। ओडिशा के बालेश्वर से खबर, जहां बालियापाल ब्लॉक के बीडीओ को बदलने की मांग तेज हो गई है। सरपंच संघ की 5 दिनों से भूख हड़ताल भी लगातार जारी है, जहां भूख हड़ताल के समर्थन में जनता ने जमकर प्रदर्शन भी किया। भूख हड़ताल में जनता का समर्थन लगातार जारी है। कारण एक ही है, बालियापाल बीडीओ का बदल में ट्रांसफर के लिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि यहां का जो है बालियापाल ब्लॉक में 28 जीपी है, 28 जीपी सरपंच सदस्य पेस मेंबर का सम्मान नहीं देता है वो, और पेराई मेंबर को इतना इंसल्ट कर रहा है क्योंकि वो इमेजिन के बाहर है। सरकार का जो भी योजना है वो योजना का गांव में हर व्यक्ति के लिए सफल होने के लिए सरकार का योजना है, लेकिन वो बालियापाल का वीडियो जो काम कर रहा है, बालियापाल में जो जितना भी पेराई मेंबर है उनका साथ कोई भी डिस्कस नहीं हो रहा है, उनको मिसबिहेव दे रहे हैं। इसलिए 8 तारीख को बालियापाल में 28 जीपी में सरपंच और पेस मेंबर सब अनशन में है। हम तो अभी भी दूसरे हड़ताल के ये 5वां दिन है, अभी तक हमारे पास कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया है हमारा बात सुनने के लिए। फिर भी ये अनशन जारी रहेगा। हमारा 2-3 सरपंच और समिति सभ्य के अस्पताल में है अभी भी, फिर भी किसी को भी कोई चिंता नहीं है। प्रशासन अभी भी तक कोई दिक्कत नहीं, फ्री में है, टेंशन में नहीं है। लेकिन अभी हमारे सारे लोग, गांव के लोग सब आ रहा है यहां पे हमको मिलने के लिए। कोशिश तो यही है कि एक प्रशासनिक अधिकारी बीडीए का ट्रांसफर के लिए इतने सारी हो रहा है, फिर भी ये सरकार क्या कर रही है मेरी समझ में नहीं आता।